अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्ताद टेक्नो। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप पर फ़्लाइट मोड और मीटिंग मोड को लेकर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऑफिशियल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जीबी व्हाट्सएप में ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको रोज़ाना मजीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो सबसे पहले पासवर्ड पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये फ़्लाइट मोड है क्या और ये किस तरह से आपके व्हाट्सएप पर काम करेगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसे यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें, पहले देख लें कि ये कैसे काम करता है। एक्टिवेट ऐप पर क्लिक करें, फिर इसे एक्टिव कर दें, तो इसी के साथ आपके व्हाट्सएप पर फ़्लाइट मोड लग जाएगा। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज ना भेज सकेगा, ना आप किसी को मैसेज भेज सकेंगे, और उसके अलावा दीगर एप्लीकेशन पर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैसेज मैं दो सेंड करता हूँ तो आप देखें कि मैसेज सेंड नहीं हो रहे मेरे व्हाट्सएप पर। अगर मैं दूसरी व्हाट्सएप ओपन करूं, व्हाट्सएप बिज़नेस, यहाँ पर अगर मैं व्हाट्सएप बिज़नेस ओपन करके उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दूं तो ये मैसेज सेंड हो जाएगा, लेकिन उधर अभी रिसीव नहीं हुआ। तो अब मैं आपको फ़्लाइट मोड ऑफ करके दिखा देता हूँ, वो मैसेज सेंड भी हो जाएंगे और रिसीव भी हो जाएंगे आपके सामने खुद ब खुद ही। डीएक्टिव कर देता हूँ ये, तो फ्रेंड फ़्लाइट मोड ऑफ कर दिया है और हमारे मैसेज सेंड भी हो चुके हैं और जो रिसीव होना था वो रिसीव भी हो चुका है। मार्क एज रीड कर देता हूँ। तो फ्रेंड, इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है मीटिंग मोड का, एक्टिव करें मीटिंग मोड को। तो फ्रेंड, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर तक फ़्लाइट मोड लगा रहे, कितने अरसे के लिए आपको कोई मैसेज रिसीव ना हो व्हाट्सएप पर और ना ही आपका मैसेज चला जाए किसी को। तो इस तरह आपका टाइम चल पड़ेगा, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ जी। तो फ्रेंड, तीसरा फीचर ये है कि आप किसी का भी नंबर सेव किए बगैर उससे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। आपने तो नंबर टाइप करना, नीचे मैसेज टाइप करना, सेंड मैसेज पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद चौथा फीचर ये है कि आप दूसरों का स्टेटस देखकर अपने मोबाइल में खुद सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मकसद के लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से मिल जाएगी, एप्लीकेशन का नाम है पॉजिट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये फीचर्स हासिल करना है तो आपको ये एप्लीकेशन लाजमन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसे डाउनलोड कर लें, या मैं एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ, पॉजिट के नाम से ये एप्लीकेशन है, आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।